नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जो सेलेक्टेड थे वो वेट कर रहे थे कि यूपीएसआई मेडिकल का कब कैसे क्या होगा, तो उसके लिए एक लेटेस्ट जो खबर बन के आ रही है और उसका जो है वो प्रूफ भी आ गया है। बाकी मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि क्या वास्तव में ऐसा सही है कि गलत है। तो उसमें देखिए, एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है इस समय, उसके बारे में भी बताऊँगा और जो ग्राउंड पर रियलिटी क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए, ये आपका नोटिस है। इस पूरे नोटिस को आप पढ़ेंगे तो दो तीन मुख्य चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली मुख्य चीज़ आपको मिलेगी कि इसमें लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद, देखिए सबसे पहले देख ली, 27 सितंबर का ये नोटिस है, मतलब कल का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नागरिक पुलिस के पद पर चयनित जो आपके हैं गृह जनपद के परिक्षेत्रीय मुख्यालय जनपद, मतलब जोनल जो होता है, ठीक है, जोनल आपका जनपद जो होगा, जैसे आप कहीं भी अगर रहते हैं वहाँ का जोनल मुख्यालय हो सकता है आप ही के शहर में हो, या हो सकता है कि एक जोन में 4-5 जिले होते हैं वहाँ हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये होगा। इसमें ये जो कैंडिडेट जो इन राज्यों से बिलोंग करते हैं उनका कहाँ कहाँ पर मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, ये आपका ये दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के इसमें टोटल तरीके से इतना ही दिया है और इसमें फिक्स कोई डेट नहीं बताई गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए नेक्स्ट मंथ आपको अगर जैसे जितना भी जल्दी करें, जैसे मैंने क्रॉस चेक कराया, मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, तो मुरादाबाद में मैंने जब क्रॉस चेक कराया तो उसमें यही पता चला कि हाँ, सीएमओ के थ्रू एक सीएमओ के पास एक लेटर गया है और उसके तहत जो है एक बोर्ड गठित किया जा रहा है। ठीक है, एसएसपी के एसपी सिटी के निर्देशन में कि भाई, और ये आपका मेडिकल हो सकता है पुलिस लाइन में भी हो, या हो सकता है कि आपका उसमें जिला अस्पताल में भी हो सकते हैं, एडी हेल्थ के यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ज़्यादातर एक बोर्ड जब बैठता है तो पुलिस लाइन में जगह ठीक होती है, प्रॉपर तरीके से रूम वगैरह मिल जाते हैं, नहीं तो जिला अस्पताल वगैरह में तो बहुत भीड़ रहती है। तो आप लोग तैयार रहिए, इसमें आपका नेक्स्ट मंथ, मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ तक अगर बोर्ड गठित हो गया तो नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि वो पूरा मेडिकल होने में 9,500 बच्चे हैं, तो पूरा मेडिकल होने में कम से कम 15 दिन तो चाहिए, 15 डेज़ का टाइम मिनिमम चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि या तो नवंबर में आपका हो गया, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में तो आपका छुट्टियाँ 22-23 के बाद तो छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। ठीक है, या फिर आपका अक्टूबर के अगर पहले हफ्ता में कोई नोटिस आ गया, फर्स्ट वीक में अगर कोई नोटिस आ गया, ठीक है, तेज़ी से अगर इन्होंने काम करा तो आपका हो सकता है कि अक्टूबर में ही ये निपटा दें। ठीक है, एक दिन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का टाइम एक बच्चे पर लेते हैं। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि कितना टाइम लेंगे ये। दूसरी बात, बहुत सारे जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको भी जो है एक चीज़ परेशान करती है कि क्या इसमें, इस केस में कुछ हो सकता है, कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, अगर मैं नॉट सेलेक्टेड के बारे में बात करूं, अगर मैं उनसे कहूं कि हाँ कैंसिल हो सकता है तो वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं सेलेक्टेड से कहूं कि नहीं नहीं होगा कैंसिल तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए तो बैठा नहीं हूं। ठीक, जो मेरी राय है, ठीक है भाई, ये सब कोर्ट डिसाइड करता है, और इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे कोई भी गवर्नमेंट किसी की भी हो वो नहीं मानती, हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोई कुछ नहीं मानता। ठीक, ये आज से नहीं 50 साल से आप देख लीजिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर को खासकर सर्विस रिलेटेड मैटर में नहीं माना गया। बहुत सारे लोग कहेंगे वीडियो में देख लो क्या हुआ, उसमें देख लो क्या हुआ, दरोगा की भर्ती है या ऐसी, इस तरीके से नहीं मतलब जाएगी, आप इतना समझ लीजिए। मेडिकल आपका हो गया, ट्रेनिंग पर आपको ये जनवरी के करीब आपको भेज देंगे, दिसंबर जनवरी में। अभी तक ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए मुझे ये एक भी नोटिस नहीं ऐसा कुछ दिखाई दिया, या फिर कुछ भी प्रकार से कि आपके पास ऐसे इस तरीके से जो है आ रहे हैं दरोगा आएंगे और इसी तरीके से आप लोग तैयारी रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका लगभग जनवरी दिसंबर या जनवरी लास्ट तक, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको भेजेंगे, तभी आप जनवरी 2024 में जाएंगे जबकि चुनाव है उस साल। तो ये पहले से ही था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देखें, मैंने उस टाइम भी यही बोला है कि आपको चुनाव के करीब करीब ये पासिंग आउट करेंगे, तो उस हिसाब से अपना लगा लीजिए। ठीक है, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट से नीचे कुछ नहीं मानते, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चल रहा है, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जाएगा, फिर डबल बेंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तक ये सभी लोग जो हैं ट्रेनिंग करके निकल जाएंगे। ठीक, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, चाहे सेलेक्टेड हो या नॉट सेलेक्टेड हो, प्रीवियस ईयर अगर हम भर्ती देखें 2016 वाली, तो उसमें एक बार अगर ट्रेनिंग करके चले गए तो इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो कि आपको घर भेज दे। घर कुछ समय के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है, 6 महीने या 7 महीने 8 महीने, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इतना मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आप एक बार ट्रेनिंग में घुस गए तो। ठीक, बहुत सारे लोग इसमें लॉजिकल वो लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था कि फलानी वैकेंसी में ये हुआ था, लेटेस्ट वैकेंसी देखिए, इसी साल जनवरी में
ज्वाइनिंग मिली है 2016 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो अपडेट था वो मैंने बता दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है उससे कोई वो नहीं है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से मेडिकल आपका होके रहेगा, आपकी LIU जहाँ चल रही होगी, ठीक है, और आपको ट्रेनिंग पर दिसंबर या जनवरी में भेज दिया जाएगा, मतलब आप ठंडों में ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँचेंगे। ठीक, ये फिक्स है, अब इसमें कुछ भी वो नहीं है कि कोई सोचे कि हम वो लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। अगर सिंगल बेंच ने स्टे लगा दी तो सरकार चली जाएगी डबल बेंच पे, डबल बेंच तुरंत एकदम रिवोक करेगी वो। सारा प्रोसेस सेट होता है सब कुछ, ठीक, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।